हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के साधुपुल में निजी बस के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 33 वर्षीय घायल एक और युवक ने दम तोड़ दिया है। बस कंडक्टर संदीप निवासी थाना बडोह सोलन ने भी जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के साधुपुल में शनिवार सुबह सवेरे बड़ा हादसा पेश आया है। यहां पर एक निजी बस सड़क से पलटकर खाई में जा गिरी। बस में करीब 7 यात्री मौजूद थे, जिनमें से हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, वहीं 5 लोग घायल हुए। घायलों को कंडाघाट अस्पताल रेफर किया गया था। घायलों में एक ने जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। इसके बाद 2 और घायलों की मौत हो गई। अब 2 लोग घायल हैं। मृतकों में 27 वर्षीय चालक अनीश निवासी रूड़ा सोलन, लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता निवासी श्रीनगर कंडाघाट, कुणाल शर्मा पुत्र प्रेमचंद निवासी वाकना घाट व संदीप निवासी थाना बडोह सोलन शामिल हैं। घायलों में रामाशंकर निवासी बिहार और रीना पुत्री हरि सिंह निवासी ममलीक शामिल हैं। इनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बस कंडाघाट से चायल की ओर जा रही थी और रास्ते में साधु पुल के पास ये हादसा पेश आया। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और 2 घायल हैं। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। डीएसपी मुख्यालय संतोष शर्मा ने हादसे में एक और घायल के दम तोड़ने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि राहत के तहत प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है।